हर चीज़ में आप कॉन्फिडेंस ओवर टाइम मिलता भी है। रिपोर्टर्स को जो है वो फॉरेन ऑफिस के लिए ऐसी क्या तैयारी करके आनी चाहिए? अगर हम मिलकर इस पर एफर्ट करें तो हमारी क्वालिटी ऑफ आर ब्रीफिंग्स कैन डेफिनेटली इम्प्रूव। एज अ स्पोक्स पर्सन, व्हाट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट फॉर यू? ये जो सिचुएशन डेवलप हुई अभी रिसेंटली ईरान के साथ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। हम हमेशा से ईरान को अपना एक अच्छा हमसाया समझते हैं और पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। किसी भी इशू पर वो कौन सा मुल्क हमारे साथ खड़ा होगा? चाइना खड़ा होगा तो हम वेलकम टू चाइना, अगर अमेरिका खड़ा होगा तो वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हम एक दफ़ा स्टेटमेंट देकर वापस नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं। हम लोग बात करेंगे मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, और उनसे पूछेंगे कि ख़वातीन के लिए जो है वो अब कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने अपना लोहा ना मनवाया हो, तो उनके लिए ये करियर कैसा रहा? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, फॉरेन ऑफिस व्हेन यू जॉइंड इन 2020, कैसी एक फीलिंग थी? हाँ, इट वॉज मिक्स्ड इमोशंस। इसमें यह है कि एक तो आपको बिल्कुल एक इस तरह की फीलिंग आती है कि आपकी लीडरशिप, आपकी मिनिस्ट्री आप पर एक कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि आप ये एक अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं। साथ में हर इंसान की तरह आपको एक एंक्शस फीलिंग भी होती है, क्या हम इन एक्सपेक्टेशंस तक पूरे उतरेंगे कि नहीं। और ये हम हर इंसान की होती है, ख्वातीन में ज़रा ज़्यादा होती है, तो वो मिक्स फीलिंग्स थी उस वक्त। जो आपसे पहले स्पोक्स पर्सन थे उनको आपने देखा, उनके करियर को भी देखा, तो आपको लगा कि दिस पोस्ट कैन गिव यू अ टफ टाइम एज अ वुमन? नहीं, ये एक रियलिटी है इस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में कि हमने कभी अपने आप को जेंडर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। हम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इस मिनिस्ट्री में सबको, मैन वुमेन बोथ, और ये फिर आपकी अपनी मेहनत और आपकी कारकर्दगी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जब ये इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो आई डिडंट सी इट इन दिस पर्सपेक्टिव के एक खातून होने के नाते शायद मैं ये काम ना कर सकूँ। ये एक बिल्कुल हर चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस ओवर टाइम मिलता भी है, आपकी फैमिली आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपके सीनियर्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो इस हिसाब से मुझे इस तरह की फीलिंग शायद नहीं आई कि खातून होने के नाते मुझे कोई ज़्यादा तंग किया जाएगा या मुझे मुश्किलात होंगी। मेरे साथ जो मीडिया की जो टीम है, स्पेशली जो फॉरेन ऑफिस का डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, उनकी तरफ से मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, दैट हैज़ हेल्प मी डू माय जॉब। अच्छा, हर हफ्ते आपकी एक ब्रीफिंग होती है और उसमें से मैंने भी कुछ अटेंड की, कुछ सवाल नए होते हैं, कुछ सवाल पुराने होते हैं और कुछ सवाल हर ब्रीफिंग में ही होते हैं। सो क्या आपको लगता है कि रिपोर्टर्स को जो है वो फॉरेन ऑफिस के लिए ऐसी क्या तैयारी करके आनी चाहिए जिससे वो तो एक कोई नया या यूनिक सवाल कर सकें, या फिर कोई ऐसी चीज़ लोगों को बता सकें जिससे उनको पता चले कि उनके मुल्क का क्या स्टैंड है इस चीज़ पे? देखिए, एक तो जिस तरह से मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मुझे बताए कि मुझे जॉब किस तरह करनी चाहिए, मैं उनको इस तरह की एडवाइस नहीं दूँगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कई दफ़ा वही सवाल रिपीट होते हैं और कई दफ़ा एक ही टॉपिक पर सारे सवाल होते हैं, और शायद हम ज़्यादा तैयारी करके आते हैं फाइनल एग्ज़ाम की तरह, लेकिन वो सवाल नहीं पूछे जाते। तो इसमें बिल्कुल अगर ज़्यादा टॉपिक्स में इंटरेस्ट होगा, ज़्यादा टॉपिक्स पर सवाल पूछे जाएंगे और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उन पे सवाल होंगे, तो उससे यह होगा कि आपका जो दफ्तर खारजा है, क्योंकि हम आपका नुमाइंदा हैं, तो आप वो इंटरनेशनल इश्यूज़ पर और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर एक अपना व्यू पॉइंट दे सकेगा। अगर हम दो चार चीज़ों पे ही फोकस करेंगे तो हमारे फिर व्यू पॉइंट भी दो चार चीज़ों पे ही आएगा। तो इस तरह से ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है, अगर हम मिलकर इस पर एफर्ट करें तो हमारी क्वालिटी ऑफ आर ब्रीफिंग्स कैन डेफिनेटली इम्प्रूव।
जब आपने सर्विस ज्वाइन की और जब आपने सोचा कि लाइक आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस फील्ड पर्टिकुलरली, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन एट दैट टाइम? देखिए पाकिस्तान में हमारे वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं, और आई थिंक अभी भी इस तरह नहीं है कि कोई करियर काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट हो. तो ये हिट एंड ट्रायल से होता है. और जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था जो लाइक बच्चे हैं वो साइंस पढ़ते हैं, तो हम लाइक बच्चे अपने आप को साबित करना चाहते थे. आर्ट्स वाले बिल्कुल लाइक नहीं होते. बस ये उस वक्त यही कॉन्सेप्ट होता था कि लाइक बच्चा साइंस पढ़ता है. तो बस फिर हम साबित करने की कोशिश में साइंस पढ़नी शुरू कर दी, और ये देखे बगैर कि हमारा एप्टीट्यूड किस में है. और फिर ओवर टाइम जब आप दुनिया देखते हैं, और स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको और लोगों से मिलने का मौका मिलता है. इवन जो आप जिस तरह कह रही हैं आर्ट्स और दूसरे ह्यूमैनिटीज़ के लोग होते हैं, आप जब उनसे मिलते हैं और उनसे इंप्रेस्ड होते हैं कि वो भी उसी तरह लायक हैं जिस तरह हम हैं, तो फिर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. तो इसी तरह मैं फ़िज़िक्स पढ़ते पढ़ते फॉरेन सर्विस की तरफ आ गई, और उसमें मैं डेफिनेटली अपने फादर को एक इंस्पिरेशन कहूँगी. लेकिन जिन लोगों के साथ मैं पढ़ती थी, जो मेरे साथ साथ थे, जो माहौल मिला यूनिवर्सिटी वगैरह में, उसने बिल्कुल हेल्प किया एक नई राह को अपनाने में. सो अभी आपके पास फॉरेन मिनिस्ट्री में जो है वो ख़वातीन की क्या तादाद होगी? देखिए हम लोग कोई 130 ख़वातीन हैं फॉरेन सर्विस में, और तकरीबन 30% है हमारी नफरी इस वक्त ख़वातीन की. ये मैं इसको बड़ी इनक्रेजिंग कहूँगी, ऑल दो नॉट एज़ गुड एज़ इट शुड बी. लेकिन हकीकत यह है कि सीनियर बैचेस में बहुत कम ख़वातीन हैं, 1-3 मैक्सिमम हो गई. लेकिन जो अब हमारे रीसेंट बैचेस आ रहे हैं, जो ख़वातीन ज्वाइन कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में कर रही हैं. तो कई बैचेस में 50% भी हैं, कईयों में 50 से भी ज़्यादा हैं, कईयों में 48 के करीब होगा. तो उससे एक रेशो आपको एक नज़र आ रहा है ट्रेंड के, ख़वातीन की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे इनकमिंग ईयर्स. यू थिंक अ फीमेल डिप्लोमेट इज़ बेटर देन अ मेल डिप्लोमेट? मैं ये इस तरह से नहीं कहूँगी. बिल्कुल हर एक की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और जो भी अपने आप को अप्लाई करता है, जो भी मेहनत करता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ को से फ़ायदा उठाता है, वो दे डू वेल. ख़वातीन में एक हकीकत यह है कि ख़वातीन में कुछ इननेट एबिलिटीज़ होती हैं. प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का एक तरबियत होती है. इसी तरीके से एक एम्पथी का, दूसरों से हमदर्दी का जज्बा होता है. ये चीज़ें जब आप निगोशिएशंस कर रहे हैं, जब आप दूसरे ममालिक के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं. सो ये क्वालिटीज़ जो हैं ये हमेशा हेल्प करती हैं. सो इसलिए मैं ख़वातीन को बहुत इनक्रेज करती हूँ कि वो फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करें, क्योंकि एक ऐसा शोबा है जहाँ पर वो अपनी क्वालिटीज़ को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकेंगी. अच्छा, हम लोग जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं एज अ जर्नलिस्ट भी, तो कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं कि जहाँ पे जो है ना पाकिस्तान की साइड लेना थोड़ी डिफरेंट हो जाता है. तो डू यू थिंक कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सवाल ऐसे आते हैं, या फिर इंटरनेशनली हमारे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हालात ऐसे टफ़ हो जाते हैं कि कई दफ़ा जो है वो डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है? पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू डिफेंड, वो मैं ख़ुद भी एक चीज़ इसको समझती हूँ एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो ऑन वेरियस लेवल. सो यू थिंक कि फॉरेन ऑफिस पे ज़्यादा प्रेशर होता है कई सिचुएशंस में डिफेंड करना? देखें बिल्कुल ये तो एक हकीकत है कि जो भी हालात हों, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट, डिफेंड, प्रमोट करें. और इसमें सबसे अहम चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, ख़ास तौर पे मैं आपके नाज़रीन से कहना चाहूँगी, कि हमारे जो सफारतकार हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पाकिस्तानी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप उनको इसी नज़र से देखें, ये कि नहीं कि एक हकूमत है जिसको रिप्रेजेंटेशन हो रही है. ज़ाहिर है
हुकूमत पॉलिसी देती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आप पूरे मुल्क की कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश फॉरेन ऑफिस की हमेशा से ये रही है कि हम पाकिस्तान का दिफा करें, हर मौके पे करें, मुश्किल भी हालात हों तब भी दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम ए पॉलिटिकल रहें, कोई हमारी ऐसी चीज़ ना हो जिससे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पर हावी हो। और पाकिस्तान ने ये पिछले 75-76 सालों में ये फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया है और अपनी इंटेग्रिटी को इस तरह बरकरार रखा है। ईरान, अफगानिस्तान एंड देन इंडिया, दे आर दोज नेबरिंग कंट्रीज जो हमेशा से टफ टाइम देते हैं। आपने अपने 2 साल करियर में एज अ स्पोक्स पर्सन, व्हाट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट फॉर यू टू डील विद द रिपोर्टर्स? देखिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। एक तो ऑफ कोर्स ये जो सिचुएशन डेवलप हुई अभी रिसेंटली ईरान के साथ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, सिर्फ मेरे लिए ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि इस मिनिस्ट्री के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी। हम हमेशा से ईरान को अपना एक अच्छा हमसाया समझते हैं और पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात थे। और जो 16 जनवरी का इंसिडेंट हुआ वो एक कंप्लीट शॉक था। तो उस वक़्त जो हमें अपनी रिस्पांस डेवलप करना पड़ा वो इस तरह से था कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी को भी डिफेंड करना है और जो हमारी एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है उसको भी डैमेज नहीं करना। तो उस सिलसिले में एक फ़ाइन बैलेंसिंग एक्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया और फॉरेन ऑफिस ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग टाइम्स, बट आई एम ग्लैड कि हमने उसको एक अच्छे तरीके से, फॉरेन ऑफिस ने अपना रोल अदा करके पाकिस्तान ईरान की जो रिलेशनशिप है उसको वापस अपनी राह पर वापस ले आए हैं। यू हैव सर्वड इन चाइना एंड वॉशिंगटन ऑल्सो। हाँ जी। और इन दोनों के साथ पाकिस्तान के बहुत ट्रिकी रिलेशनशिप्स, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। चाइना तो लाइक आर ब्रदरली कंट्री, बट वॉशिंगटन के साथ ऑन डिफरेंट लेवल, उनमें सेंटकॉम भी आ जाता है, उसमें वैसे डिप्लोमेसी भी आ जाती है। हाउ डू यू सी दीज टू कंट्रीज टूवर्ड्स पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की जो हमेशा से पोजीशन रही है और अभी भी हम जिस पर फोकस कर रहे हैं कि हमारी दोनों ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों और ये ताल्लुकात पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बेसिस पर होंगे। हमारा ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हमने किसी तरह से बैलेंस क्रिएट करना है या हमने एक मुल्क को तरजीह देनी है या दूसरे मुल्क को तरजीह देनी है। हम देखेंगे पाकिस्तान का जो भी इंटरेस्ट होगा किसी भी इशू पर, वो कौन सा मुल्क हमारे साथ खड़ा होगा। और चाइना खड़ा होगा तो हम वेलकम टू चाइना, अगर अमेरिका खड़ा होगा तो वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। और इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होती है और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, जिस तरह आपने कहा हमारा पुराना दोस्त है और उन्होंने हर मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान का साथ दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हमारी बड़ी पुरानी एक हिस्ट्री है रिलेशनशिप की और हमारी ख्वाहिश है कि उस रिलेशनशिप को आगे परवान चढ़ाया जाए। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से स्टेटमेंट नहीं आई होती और जर्नलिस्ट जो है वो ऑलरेडी न्यूज़ ब्रेक कर देते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मिनिस्ट्री में हो रही है, स्पेशली विद इंडिया। और फिर बाद में उनकी जब फॉरेन ऑफिस कंफर्म करता है तब हमारा फॉरेन ऑफिस कहता है कि अच्छा ये हुआ था, उससे पहले फॉरेन ऑफिस थोड़ा सा कहते हैं कि अभी हमने इस पर स्टेटमेंट नहीं देनी। हाउ दिस स्ट्रेटजी वर्क? देखिए, वो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक आध दफ़ा तो इस तरह की भी चीज़ हुई कि इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से आ रहा है तो वो हमारा काम नहीं है कि हम उसको एक्सप्लेन करें, वो उनका काम है कि वो एक्सप्लेन करें, इवन इफ़ मीडिया हैज़ हाइलाइटेड। एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो स्टेटमेंट देते हैं वो हमने देखना है किस मौके पर करनी है जो हमारे इंटरेस्ट में है। ऑफ़ कोर्स मीडिया ने अपना इंटरेस्ट देखना है, उन्होंने ख़बर ब्रेक करनी है, हमने देखना है कि वो ख़बर किस टाइम पाकिस्तान कंफर्म करे जब हमारे इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। तो इसलिए कई दफ़ा वो चीज़ लेट भी होती है
और तीसरी चीज़ ये होती है कि हमें कई दफ़ा चीज़ों को बड़ा ज़िम्मेदारी से करना होता है, बिकॉज फॉरेन ऑफिस मैंने जिस तरह से कहा पाकिस्तान का नुमाइंदा है, हम एक दफ़ा स्टेटमेंट देकर वापस नहीं ले सकते, तो हमें कई दफ़ा फैक्ट्स को डबल चेक करके 3-4 दफ़ा चेक करके फिर स्टेटमेंट देनी पड़ती है। हमें ब्रेकिंग न्यूज़ हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि ज़िम्मेदार तरीके से बात की जाए। पाकिस्तान ने भी ICJ में भी अपना बहुत अच्छा एक केस जो है वो रखा वहाँ पे पैलेस्टाइन वाले जो इशू है उस पे। व्हाट वाज यू नो फोर्स बिहाइंड दैट, हाउ यू गाइस डिड ऑल ऑफ दैट वर्क? अच्छा, ये जो अभी रिसेंटली आपने देखा मिनिस्टर फॉर लॉ गए थे ICJ में और पाकिस्तान का मौकफ पेश किया, ये वो केस है वो ICJ के सामने जो UN जनरल असम्बली ने रेफ़र किया है टू ICJ ऑन फॉरेन ऑक्यूपेशन। पाकिस्तान की हमेशा से एक पोजीशन रही है कि फॉरेन ऑक्यूपेशन इलीगल होती है और उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रोल अदा करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो भी कौमें अंडर ऑक्यूपेशन हैं उनको उनकी आज़ादी और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो यही थिंकिंग थी और इसी वजह से पाकिस्तान ने इस पर अपना एक मौकफ डेवलप किया और फिर हमने प्रेजेंट किया और ये पाकिस्तान आप जिस तरह जानते हैं फ़लस्तीन और कश्मीर ये दो ऐसे मसले हैं जिस पर पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान के आवाम पाकिस्तान की हुकूमत की हमेशा एक बड़ी फोर्सफुल पोजीशन रही है और हमने हमेशा एक इंटरनेशनल लेवल पर इस पर अपनी वॉइस उठाई है तो आगे भी करने का इरादा है। अच्छा, देयर वाज वन यू नो मौका के लिए शमशाद अहमद खान साहब के साथ आई वो सिटिंग और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये जो कश्मीर का इशू है ना ये डिप्लोमेटिकली बड़े आसानी से हल हो सकता था इन द पास्ट, लेकिन अब चीज़ें इतनी वो कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि हम कोई बात करते हैं उनकी तरफ से कोई बात नहीं होती है, उनकी तरफ से बात होती है तो हम लोग थोड़ा सा शाय अवे करते हैं। सो डू यू थिंक कि डिप्लोमेटिकली इन एनी नियर फ्यूचर दीज थिंग्स कैन बी लाइक सॉर्टेड आउट? देखें, पाकिस्तान की तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम कश्मीर पर बातचीत करें और इस पर हमारी जब भी डायलॉग हुआ इंडिया के साथ कश्मीर हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही और जब से ये 2019 में जो इंडिया ने इकदाम लिए उसके बाद उन्होंने कश्मीर में इस तरह के इकदाम लिए हैं जिसकी वजह से कश्मीरी अपनी ही सरजमीन पर एक अकलियत में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में आवाज़ उठाई है और हम अभी भी तैयार हैं कि कश्मीर के मसले पर बातचीत करने पर, और इसमें शर्त यह है कि जो कश्मीरियों के की जो इंटरेस्ट हैं उसकी हिफाजत हो, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो यूनाइटेड नेशंस की इस पर रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के ऊपर जिसमें सबसे अहम चीज़ जो डिटरमिन की गई है कि कश्मीरी अपना फ्यूचर खुद डिटरमिन करेंगे उसके मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, तो पाकिस्तान हमेशा से इसके लिए तैयार रहा है और हम हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया भी यही करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सिलसिले में कश्मीर में अपना रोल अदा करने में उनको भी हमने हमेशा वेलकम किया है। सही। सो यू थिंक के फॉरेन ऑफिस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं अभी तक वो ये कश्मीर पैलेस्टाइन और इस पर काफ़ी लाइक बैलेंस्ड भी रही हैं या फिर यू थिंक के वी कुड हैव डन अ लिटिल बिट मोर ऑफ फ्रॉम दिस? देखें, वी हैव डन द बेस्ट अंडर द सर्कमस्टांसिस दैट वी हैव हैड। आप जानते हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन नहीं है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री मिड रैंकिंग जिस तरह से मिडल पावर कहते हैं हम वो हैं, तो हमने कश्मीर का मसला ज़िंदा रखा है। आज भी हम समझते हैं कि एक हमारी डिप्लोमेसी की फतह है कि आज भी दुनिया का एक भी मुल्क इंडिया का जो नैरेटिव है कश्मीर पे वो एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता।
आज भी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये एक हकीकत है और इस हकीकत को हम समझते हैं कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में जब आप प्रिंसिपल पे खड़े हों तो इस तरह के मौके आते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में हमें यकीन है कि आएंगी और कश्मीरियों को अपना हक मिलेगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है, नई गवर्नमेंट आने वाली है, पुरानी जो है वो फेयरवेल मिनिस्टर साहब की हो गई है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नई गवर्नमेंट से और नए फॉरेन मिनिस्टर से? देखिए इस पे अगेन ये तो पॉलिटिकल सवाल हो गया। नहीं, बट यू सेड ना पॉलिसी बिकॉज गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हाँ, देखिए जो नई गवर्नमेंट जब भी आती है वो अपना विजन देती है और उसके मुताबिक पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हमेशा तैयार रहता है। हम अपनी इनपुट देते हैं, हम अपनी जो इतना तजर्बा इस बिल्डिंग में है उसका निचोड़ प्रेजेंट करते हैं और उसकी रोशनी में फिर जो भी फैसले होते हैं फॉरेन ऑफिस उसको इंप्लीमेंट करता है। आर यू एक्सपेक्टिंग एनी यू नो फीमेल फॉरेन मिनिस्टर? जी इसका तो मुझे कोई मालूम नहीं, बट यू वांट अ फीमेल? देखिए हमारे पास वी हैव बीन वेरी लकी, हमारे पास ख़वातीन मिनिस्टर्स रही हैं। मैडम हिना रबानी खर वाज आर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स लॉन्ग टाइम अगो, उसके बाद वो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रही हैं। हमारी फॉरेन सेक्रेटरी भी एक मैडम तहमीना जंजुआ फॉरेन सेक्रेटरी रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास और ये जो हमारे इस वक्त इतनी ज़्यादा ब्राइट यंग ख़वातीन आ रही हैं, ये इनमें भी कई फ्यूचर फॉरेन सेक्रेटरीज होंगी, तो फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर पाकिस्तानी वुमेन। व्हाट डू यू वांट टू से टू द वुमेन राइट नाउ हु आर लुकिंग अप टू यू एज एन इंस्पिरेशन? बस उसके लिए यही है कि हिम्मत नहीं हारनी है और जो आप हर चीज़ वो कर सकते हैं जो आप करना चाहें। और इसमें मेरा उनके फैमिली से भी यही होगी एक मैसेज होगा कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी स्पाउसेस को सपोर्ट करें एंड दे विल मेक यू प्राउड। थैंक यू सो मच मैडम स्पोक्सपर्सन। थैंक यू। सपोर्ट योर फीमेल स्पाउसेस, सपोर्ट योर फैमिली, सपोर्ट योर सिस्टर्स एंड दे आर गोइंग टू मेक यू प्राउड। दैट वाज द मैसेज गिवन बाय स्पोक्सपर्सन तमाम खवातीन के लिए जो ये समझती हैं कि शायद वो कोई एक ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो अचीव नहीं कर सकती। बट ट्रस्ट मी, ख़वातीन के लिए मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई भी इस टाइम प्रोफेशन है जहाँ पे उन्होंने अपनी अबिलिटीज़ को जो है वो नहीं मनवाया। आई एग्री विद दैट टर्म कि थोड़ा सा काम हमें ज़्यादा करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, बट एक दफ़ा अगर आप सोच लें और आप डिसाइड कर लें कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।